अब मैं अभी अपने टेरेस पे हूँ, तो आप देख सकते हो। ओह माय गॉड, लैंडस्लाइड आ गया। इतना बारिश है यहाँ पे कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। आज भी देखो, अब मैं जा रही थी स्टेट बैंक, तो रास्ता इतना ब्लॉक है, अब जा ही नहीं सकते। अब क्या कर सकते हैं, ये बारिश पता नहीं ये बारिश कब छूटेगा। 24 आवर्स नॉन स्टॉप बारिश। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एडी नवाज ब्लॉग। तो जैसे कि मैं आज बाहर जा रही थी, तो बाहर क्या मतलब स्टेट बैंक जस्ट मेरे घर के पीछे ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं वहाँ जा रही थी, बट रास्ते में मैंने वीडियो बनाया है, रास्ते पे मैंने देखा तो पूरा पेड़ पौधे सब टूटे हुए हैं, रास्ता पूरा ख़राब है। फिर मैं वहाँ से रिटर्न आ गई और मैं जा नहीं पाई, तो फिर मैं घर आके थोड़ा सा से बस जा रही थी कुछ काम से, तो वापस आ गई तो थोड़ा मूड ख़राब हो गया, तो फिर मैं सो गई। अब जब सो कर उठा तो देखा टाइम 6 o'clock हो चुका है। अब मैं अभी अपने टेरेस पे हूँ, तो आप देख सकते हो मौसम व्यू, देख सकते हो मेरे टेरेस से, देख सकते हो आप मेरे पीछे किस तरह का व्यू है और मौसम कैसा है। लेकिन बस ऊपर वाले का मेहरबानी है कि बारिश अभी बंद है, 10 मिनट से बारिश बंद है, बट मौसम काफ़ी ख़राब है और हवा भी काफ़ी चल रहा है। तो मैं सोचा चलो ऐसे ही टेरेस पे बैठते हैं थोड़ा, तो इसलिए मैं टेरेस की तरफ आ गई। मैं आपको दिखाती हूँ, स्टेट बैंक जस्ट मेरे घर के पीछे ही है। ये देखो, आप देख सकते हो फ्रेंड, वो लाइट जल रही है ना, येलो कलर बिल्डिंग में वो लाइट जल रही है, वही है स्टेट बैंक। पर मैं यहाँ से इतना ही नहीं जा पाई, तो आप देख सकते हो बस मैं उतना ही नहीं जा पाई, तो इसलिए मैं सोचा चलो अभी आप लोग से थोड़ा बातें कर लेते हैं बैठ के छत पे, तो इसलिए मैं छत पे ही आ गई। अब क्या करें, मौसम इतना ख़राब है ना, और ठंड भी काफ़ी लग रही है, और ठंड में अब कहीं जाने का भी मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने टेरेस से आपको अपने घर के पास का सारे व्यू दिखा देती हूँ। तो चलो फ्रेंड, फिर मैं आपको अपने टेरेस के ऊपर से सारा व्यू दिखाऊंगी। फ्रेंड देख सकते हो आप वहाँ का व्यू, वो देखो कैसा व्यू है यहाँ पे। देखो ये जस्ट मैं अपने छत के ऊपर हूँ, और अपने छत के ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हो आप। तभी तो मैं बाहर नहीं गई, आज फ्रेंड का भी बहुत कॉल आता रहा कि आओ आओ एडी आओ एडी, पर क्या करें ऐसा मौसम था, और मेरे घर के पास का रास्ता भी बहुत ख़राब हो चुका था, ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे ट्री वगैरह सब टूट फूट के पड़ा हुआ है। तो अभी तक शायद साफ़ हो गया होगा, पर मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो सो गई थी ना, कि रिटर्न आके सो गई थी, तो इसलिए पता नहीं है। देखो मौसम कितना, व्यू देखो, मिस्ट आ रहा है, देखो मिस्ट आ रहा है, अब उधर देख सकते हो मिस्ट आ रहा है, पूरा मिस्ट आ रहा है। ओह माय गॉड, अब बारिश भी आने वाला है, धीरे धीरे बूंदा बूंद बारिश भी आने लगा है। चलते हैं हम रूम में, क्योंकि बारिश काफ़ी आया, तो दिख नहीं, आपको तो दिख नहीं रहा होगा, पर देखो मेरे हेयर में पूरा बारिश आ रहा है। तो अब चलते हैं, एक गरम गरम कॉफ़ी हो जाए तो फिर सही लगेगा। अब ठंड भी काफ़ी लग रही है टेरेस पे, तो इसलिए अब चलते हैं रूम में, और रूम में चल के कॉफ़ी कुछ ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा ये ठंड है ना थोड़ा कम जाए। फिर अब चलते हैं फ्रेंड रूम में चलते हैं। मैं भी टेरेस पे थी, मैंने आपको बताया बारिश आया, तो इसलिए मैं रूम पे आ गई। रूम पे आके अभी मैं सोच रही हूँ, मैं सोई हुई थी जब वहाँ मैं बैंक से रिटर्न आई, रास्ता ख़राब था तो मैं सोई हुई थी, तो मैं सो के उठी सीधा टेरेस पे चली गई। अभी बस मैं रूम पे आके ये हल्दी वाला दूध, क्योंकि पूरा बारिश में भीगा ना, तो पूरा बॉडी पेन हो रहा है। कहते हैं कि हल्दी वाला दूध पीने से बॉडी के सारे पेन ख़त्म हो जाते, तो सो फ्रेंड इसलिए मैं हल्दी वाला दूध पी रही हूँ। और भूख लग रहा था, मैं सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, तो मैंने ये आप भी बोल रहे जब देखो खाती रहती है। अरे नहीं ज्यादा नहीं खाती हूँ, बस थोड़ा ही खाती हूँ, ठीक है थोड़ा सा, इतनी सी खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाती हूँ बस। लेकिन बॉडी बहुत पेन कर रहा है,
इसलिए मैं वो हल्दी वाला दूध पी रही हूँ। आपको भी कभी अगर बॉडी पेन करे या ज्यादा सर्दी हो जाए, कोल्ड हो जाए, तो आप भी तुरंत हल्दी वाला दूध, कहते हैं ना वो जो दादी अम्मा की नुस्खे, वो है ये। और मेरे को तो कभी भी मेरे को ठंडा लग जाता है तो मैं हल्दी और मिल्क मिक्स करके पी लेती हूँ। शुगर नहीं ऐड करना, बस हल्दी और दूध, ये पीने से ठंडा कर जाता है, जो बॉडी पेन होता है वो भी खत्म हो जाती है। कहते ना दादी अम्मा वाला नुस्खा है, ये वही है। खैर मेरी तो ग्रैंड मदर नहीं है, लेकिन वो हमेशा बोलती थी कि जैसे कि आपको सर्दी लग जाए या फिर आपको कोल्ड होने से ये थ्रॉट पेन, ये बॉडी पेन होता है, तो आप हल्दी वाला दूध ले लीजिए। तो आप भी मेरी तरह हल्दी वाला दूध पीजिए और दर्द को भगाइए, इसलिए क्योंकि मेडिसिन से अच्छा हल्दी वाला दूध होता है। कभी भी आपको दर्द वर्द हो तो हल्दी वाला दूध ले लीजिए। तुरंत 5 मिनट में देखना, यूं खत्म हो जाएगा आपका दर्द, जैसे मेरा। जब मैं स्टेट बैंक गई तब तो पूरा बारिश चल रहा था, तो रास्ते से वापस आई, ये बारिश में थोड़ा सा मेरे सर पे पानी गिर गया था और उससे सर दर्द काफी होने लगा, तो इससे आके मैं सो गई थी। सो के जस्ट अभी उठ के टेरेस पे गई थी, मैंने आपको दिखाया अपने टेरेस का व्यू, तो आप देख चुके हैं फ्रेंड। और क्या बताऊँ, आज तो कोई नया ब्लॉग नहीं बना, बस ऐसे ही आपसे गॉसिप कर रही हूँ बैठ के। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या बोर कर रही है, मैं बोर नहीं कर रही हूँ, बस सोचा आपसे बात कर लूँ थोड़ा सा, बस बात करने को मन था तो बात भी कर रही हूँ। अब चलो फ्रेंड, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। प्रे कीजिए यहाँ बारिश खत्म हो जाए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ओके। तो फ्रेंड अब तक के लिए यहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।